संपूर्ण क्रांति दिवस के मौके पर पटना के बापू सभागार में महागठबंधन राजद और लेफ्ट पार्टियों की ओर से महागठबंधन प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया गया कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सीपीआई के डी राजा सीपीएम के सीताराम येचुरी और भाकपा माले के दीपांकर भट्टाचार्य सहित महागठबंधन के कई नेता शामिल थे इस कार्यक्रम में कांग्रेस शामिल नहीं हुई कांग्रेस का कहना है कि उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया लेकिन आरजेडी का कहना है कि कांग्रेस को आमंत्रित किया गया लेकिन वह नहीं आए महागठबंधन प्रतिनिधि सम्मेलन को लेकर आरजेडी की ओर से लगाए गए पोस्टर में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की बड़ी तस्वीर के साथ तेजस्वी यादव लालू यादव राबड़ी देवी के साथ साथ लेफ्ट पार्टी के नेताओं की तस्वीर भी दिख रही थी हालांकि इसमें कांग्रेस नेताओं को जगह नहीं मिली पोस्टर में कांग्रेस का कोई भी नेता नजर नहीं आ रहा है इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या आरजेडी नेतृत्व ने कांग्रेस को महागठबंधन से आउट कर दिया सियासी गलियारे में इसको लेकर बयानबाजी तेज होने लगी महागठबंधन राजद और लेफ्ट पार्टियों के कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई कांग्रेस का कहना है कि उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया लेकिन राजद का कहना है कि आमंत्रण देने के बावजूद भी कांग्रेस नहीं आ रही है कांग्रेस के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि राजद ने कांग्रेस को आयोजन में आने का न्यौता दिया था लेकिन संपूर्ण क्रांति की तिथि को लेकर उनको दिक्कत है शायद इसलिए नहीं आई कांग्रेस विधायक दल के नेता अजित शर्मा ने कहा कि ये समय विपक्ष को एकजुट होकर भाजपा से लड़ाई लड़ने का है वे लोग कांग्रेस को छोड़कर सोच रहे हैं कि मजबूत होंगे ऐसा नहीं है वे कमजोर ही होंगे वहीं इस पर जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि विपक्ष में राजनीति भ्रम की स्थिति है महागठबंधन में है तो अपने सहयोगी को दरकिनार करना चाहते हैं या अपमानित या स्पष्ट करना चाहिए रिपोर्ट कार्ड पर नीरज कुमार ने कहा कि नीतीश सरकार का काम बोलता है जनता सब देख रही है आपको बता दें कि बापू सभागार में आयोजित कार्यक्रम में नीतीश सरकार कितनी फेल्यूर रही है इसको लेकर आंकड़े के जरिए रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया जाएगा आपको बता दें कि पिछले साल दो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ था और इसमें आरजेडी और कांग्रेस के बीच दूरिया बन गई थी दोनों दल एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार खड़े किए थे इसके बाद दोनों के रिश्ते में तख्ती बढ़ गई तेजस्वी यादव कह चुके हैं कि जो भी आंकड़ा कांग्रेस ने खुद तय किया है उसमें हम लोगों ने कुछ नहीं किया है मसी चुनाव को लेकर आरजेडी का कांग्रेस के साथ विवाद चल रहा है कांग्रेस ने आरजेडी पर मनमानी करने का आरोप लगाया है आपको बता दें कि बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है और इसको लेकर आरजेडी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है जिसके बाद कांग्रेस के नेता काफी गुस्से में हैं और उनका कहना है कि एक उम्मीदवार हमें उतारना चाहिए ब्यूरो रिपोर्ट लाइव बिहार लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें